बिहार के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक गुप्तेश्वर पांडे अब नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। डीजीपी रहते रॉबिन हुड की तरह दिखने वाले गुप्तेश्वर पांडे सियासी पारी शुरू की तो कुछ अलग अंदाज में दिखे। राजनीतिक में कुछ दिन ही हुए और पांडे जी नए अवतार में दिखने लगे। ये अवतार गेरुआ वस्त्र में कथावाचक का है। 24 जून को एक निजी बैनर के तहत गुप्तेश्वर पांडे श्रीमद भागवत वचन अमृत कार्यक्रम में कथावाचक की भूमिका में नजर आए। कथावाचक की भूमिका में नजर आने के बाद जब हमने इनके गांव जाकर के गांव के लोगों से बात की तो गांव के लोगों ने क्या कुछ बताया, क्या कहा, आइए उसे भी हम आपको सुनाते हैं और गांव के लोगों से भी रूबरू करवाते हैं। ऑनलाइन बिहार न्यूज में अनिश कुमार पाठक। आज हम पहुंच चुके हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के गांव में। आजकल वो चर्चा के विषय बने हुए हैं कि भागवत और रामायण जैसी पुराणों को वो कह करके लोगों को आस्था की तरफ झुकाव कर रहे हैं। तो आइए उनके गांव पे हम पहुंच चुके हैं। गांव के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे लोगों की मानसिकता है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से। पूर्व डीजीपी साहब, आजकल एक चर्चा का विषय बने हुए भागवत को लेकर, क्या कहेंगे आप? तो अच्छी बात है, वो लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। चर्चा का विषय क्या है, वो तो उनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान बांट रहे हैं। कभी डीजीपी के पद पे और सुशोभित होने वाले, कभी राजनीतिक में आने वाले और आज कथा बात है। वो देखिए, वो कभी भी आप अलग अलग रूप हो सकते, सेवा के अलग अलग रूप हो सकते। वो सेवा कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं। वो अलग अलग लोग है, आपको देखने का नजरिया अलग है, लेकिन वो उनका नजरिया एक ही है कि लोगों के बीच में रहना, लोगों को सेवा करना। जिस तरीके से यहाँ पे और कुछ लोग हैं, आइए अंदर में कुछ लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके भाई साहब जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए कि डीजीपी साहब कथावाचक बन गए, क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। क्या इसलिए कि विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। विद्वता अपना प्रचार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आपने लोगों की राय सुनी और जानी कि किस तरीके की यहाँ पे लोगों की आस्था के प्रति और डीजीपी साहब के प्रति क्या सोच है लोगों की।